राजधानी देहरादून से खबर है, जहां भाजपा के राज्य मंत्री मधु भट्ट ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी व संगठन केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के सभी सदस्य जनता के बीच हैं, वहां की जनता चुनाव होने का इंतजार बेसब्री से कर रही है। भाजपा को भारी बहुमत के साथ पुनः केदारनाथ में पार्टी के सिर सेहरा बांधने को बेताब है। मधु भट्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की समस्याओं का निवारण करके उनके प्रति हर संभव सुविधा मुहैया कराई गई, चाहे वह सड़क, व्यापार या आम जनमानस की स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं को बेहतर करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। मधु भट्ट ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें निकाल दिया। देखिए, हमारी तरफ से पूरी सरकार और संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और केदारनाथ का उपचुनाव को लेकर वहाँ के स्थानीय जनता की जो मांग थी, वो मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर स्वयं जाकर उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आम नागरिकों से बात हुई है। वहाँ की जनता में बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को वो इस बार जो भी वहाँ का प्रत्याशी होगा उसको और अधिक बहुमत जो है मत देकर वो विजयी बनाएंगे। ये पूरी वहाँ की जनता का रुझान है। और हमारे जहाँ तक क्योंकि केदारनाथ जो हमारी जो विधानसभा है वो पूरे हमारे उत्तराखंड के लिए एक अलग से एक मैं ये कहूँगी एक अलग पहचान रखती है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो जनता है वो हमारे साथ है। और कांग्रेस का जिस प्रकार से कहना है, कांग्रेस तो दीवा सपने देखती है, वो अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से कह रहे थे कि हरियाणा में वही आने वाले हैं, हरियाणा की जनता ने उनको दिखा दिया कि वो और अधिक हमें सीटें देकर उन्होंने उनके सपने को भी चकनाचूर कर दिया। और ये आने वाला जो ये केदारनाथ का ये उपचुनाव है, इसमें भी उनके सपने चकनाचूर।